everyone. Welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of money supply. Class, काफी easy topic है and इस topic के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको self study के लिए दूंगी. ठीक है, self study की चीजें ज्यादा है इसके अंदर and topic काफी easy है. देखो, money supply क्या होता है, ध्यान से सुनना. Money supply refers to total volume of money. ठीक है, यानी टोटल पैसा किसके पास, हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है एंड मनी सप्लाई की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट. क्या हुआ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी टोटल पैसा किसके पास, पब्लिक के पास. कब? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ. याद आया आपको, हमने चैप्टर नंबर 1 जब करा था स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमने स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा था. स्टॉक एंड फ्लो, तो स्टॉक क्या होता था, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है पब्लिक के पास कितना पैसा है. तो ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहे हैं. क्लास ध्यान से सुनना, जिस जिन चीजों पे मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, यानी वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. मनी सप्लाई है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी इसके अंदर गवर्नमेंट नहीं आई. Held by the public. Public means public. यहाँ पे जो पैसा government के पास है वो पैसा इसमें count नहीं होता. पैसा किसके पास होना चाहिए, public के पास. Public में कौन कौन आता है, individuals जैसे हम लोग, and आते हैं business firms. ठीक है, कौन कौन आते हैं, individuals जैसे हम लोग individuals हो गए, और आते हैं business firms. इसमें government, बैंकिंग सिस्टम ये नहीं आता. क्लास ये ध्यान से सुन लो, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है ये. बैंकिंग और गवर्नमेंट, बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट इसके अंदर नहीं आते. मनी क्रिएटिंग सेक्टर जो है, जो मनी को क्रिएट करते हैं, वो इसका पार्ट नहीं है. वो इसका पार्ट नहीं है. इसका पार्ट है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म जो मनी यूज करते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ measures of money supply. Yes class, now we will study the different measures of money supply. Class देखो, money supply को measure करने के चार तरीके हैं, M1, M2, M3, M4. लेकिन बहुत ज्यादा मजे की बात यह है कि अगर आप M1 measure को अच्छे से समझ गए, जो most basic measure है, तो उसके बाद M2, M3, M4 समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली. मेजर का मतलब क्या है, काउंट करना. मनी सप्लाई क्या थी, कि टोटल जो मनी पब्लिक के पास कितना पैसा है, टोटल पब्लिक के पास टोटल पैसा कितना है, ये हो गया मनी सप्लाई. तो ये M1, M2, M3, M4 चार तरीके हैं जो मेजर करता है कि पब्लिक के पास पैसा कितना है. ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक M1 मेजर है. M1 हो गया तो बाकी आपको सारे समझ आ गए. ठीक है, तो क्लास देखो, M1 मेजर क्या कहता है, पहले मैं M1 ही बताती हूँ. सबसे बेसिक है, सबसे मतलब ये आपको समझ आ गया ना, बाकियों में थोड़ा बहुत चेंजेस है. M1 ही सबसे डिटेल मेजर है. M1 से जो मनी सप्लाई मेजर करते हैं उसे ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं. ठीक है, M1 में क्या आता है क्लास, M1 मेजर में तीन चीजें आती है बस. देखो, नंबर 1 करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. अभी मैं आपको तीनों के बारे में डिटेल बताऊंगी, पहले आप तीनों को लर्न कर लो कि कौन कौन सी तीन चीजें इसमें आती है. ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. सेकेंड चीज, DD ऑफ कमर्शियल बैंक. DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी. अभी मैं हर चीज के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, आपको ये मेजर जरूर अच्छे समझ होने चाहिए, आने चाहिए. थर्ड, अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ठीक है, बहुत सिंपल है.
ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट या मुश्किल नहीं है. देखो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, इसका मतलब है पेपर नोट्स, जैसे आपने देखा 500 का नोट होता है, 2000 का नोट होता है, और कॉइन्स जितना पब्लिक के पास है. समझ के, पब्लिक के पास, मैं फिर बार बार पब्लिक वर्ड पे फोकस कर रही हूँ, यानी जो पैसा गवर्नमेंट का है, जो पैसा बैंक्स का अपना पैसा है, अपना पब्लिक का पैसा नहीं. बैंक में हम लोग भी पैसा रखते हैं, याद रखना, बैंक में सेविंग अकाउंट में अलग अलग अकाउंट में हमारा भी पैसा होता है, वो पब्लिक का पैसा है. जो गवर्नमेंट का अपनी इनकम है, अपना पैसा है, जो बैंक का अपना पैसा है, वो इसमें नहीं आएगा. करेंसी एंड कॉइन्स विद द, वहां पे जितने नोट कॉइन्स हमारे घरों में रखे, हमारे पर्स में रखे हैं, इधर उधर रखे हैं, जो हमारे पास है करेंसी एंड कॉइन्स, वो है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. नंबर टू, अच्छा एक बात इसमें ये भी मैं बता दूं तुम्हें, क्लास ध्यान से सुनना. इसके अंदर जो करेंसी मनी होता है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ. जो करेंसी मनी होता है, यानी जो पैसा हम अपने पास रखते हैं, इधर उधर खर्चा करते हैं, सामान लेते हैं, सब काम जो भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी. ठीक है, फिएट मनी. करेंसी मनी को हम, चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 1 मार्क्स में आ सकती है, करेंसी मनी को फिएट मनी कहते हैं. करेंसी मनी मीन्स, मतलब आपने कभी अगर कोई नोट देखा तो नोट पे क्या लिखा होता है, गवर्नर बोलता है प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीस, जितने का भी नोट है 20, कि भाई जो गवर्नर है, गवर्नमेंट लीगल करेंसी है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप इस करेंसी से चीजें ले सकते हो, अपना डेट चुका सकते, मतलब ये करेंसी लीगल है, इन सर्कुलेशन है, वो होती है फिएट. अगर आप नकली नोट लेके जाओगे, दैट इज नॉट फिएट मनी, उसको गवर्नमेंट ने अंडर लॉ लीगलाइज नहीं किया है. फिएट मनी वो है जो कि करेंसी तो है बट वो लीगल है, जिसे गवर्नमेंट लीगलाइज कर चुकी है. तो जो करेंसी मनी है उसे हम फिएट मनी भी कहते हैं. ठीक है, और करेंसी मनी जिसे गवर्नमेंट अलाउ कर चुकी है, जो कंप्लीटली लीगलाइज है, उस फिएट मनी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है लीगल टेंडर मनी. अब क्लास के इतने छोटे पॉइंट्स हैं, अगर मैं चाहूं तो इन्हें बार बार मुझे फोकस करने की जरूरत नहीं, मैं एक बार में बता सकती हूँ कि बेटा इसका दूसरा नाम लीगल टेंडर मनी है, खत्म बात. लेकिन मैं बार बार उसे स्लो तरीके से बार बार मैं फोकस कर रही हूं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर क्लास? अच्छा, अब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. क्लास देखो, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो भी पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, हमारे सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, वो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है. उसे डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं क्लास? क्यों हम उसे डिमांड, हम उसे सिर्फ डिपॉजिट क्यों नहीं बोलते कि हमने कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट करा. अगर मेरा अकाउंट है HDFC में, उसमें अगर 10 लाख रुपीज है इस टाइम, तो डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला मैंने उसे? डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोला कि वो जो 10 लाख रुपए है, वो मेरी डिमांड पे मैं कभी भी निकाल सकती हूँ. मुझे अगर इस टाइम 10,000 रुपए निकालना है तो मैं ATM से निकाल लूंगी. मुझे अगर 6 लाख रुपए निकालने हैं तो मैं चेक इशू कर, क्योंकि वो ATM से नहीं निकलेंगे, तो मैं चेक इशू करके बैंक से अपने 6 लाख रुपए निकाल सकती हूँ. मेरी मर्जी, मुझे कब पैसा चाहिए, मैं बैंक की मर्जी से तो नहीं चलूंगा. बैंक तो नहीं मुझे ये कहेगा कि नहीं आप इसको 5 साल बाद ही निकाल सकते. डिमांड डिपॉजिट वो होती है जो हम ATM से, हम चेक से, जब हमारा मन करेगा हम पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, जब हमारी डिमांड होगी हम पैसे को निकाल सकते हैं. ठीक है. थर्ड, अदर डिपॉजिट विद RBI. क्लास हाँ ये ध्यान से सुनो, हम एक्चुअली क्या होता है क्लास, ये वो डिपॉजिट है जो हम डेली लाइफ में जनरली सुनते नहीं है. क्लास इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत 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 ध्यान से सुनना. अदर डिपॉजिट फिर RBI में क्या आते हैं, वो पैसा, ठीक है, वो पैसा जो RBI के अंदर डिपॉजिटेड है. ठीक है, किसने डिपॉजिट कराया? फॉरेन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब ने, मतलब इंटर, क्योंकि देखो हम लोग तो वैसे भी RBI में डिपॉजिट नहीं करा सकते. आपको पता है कि हम लोग जो भी पैसे डिपॉजिट कराते हैं, हम लोग कमर्शियल बैंक्स में करा सकते हैं. जो नॉर्मल पब्लिक है, यानी हम लोग हैं, हम जो भी पैसे डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक्स में कराते हैं. बट RBI में पैसा डिपॉजिटेड है किस किस का? फॉरेन बैंक्स का, फॉरेन गवर्नमेंट का,
वर्ल्ड बैंक का, IMF का, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनका पैसा RBI में डिपॉजिट होता है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं लिखा मैंने यहां पे, फॉरेन गवर्नमेंट लिखा है, इंडियन बैंक्स नहीं लिखा मैंने, फॉरेन बैंक्स लिखा, क्योंकि इंडियन बैंक्स और इंडियन गवर्नमेंट का तो पैसा माना नहीं जाता ना मनी सप्लाई में, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन बैंक का तो पैसा है नहीं, फॉरेन बैंक्स का, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो RBI में है, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन वर्ड में लगा रही हूं यहां पे, उनका पैसा जो RBI में है वो इसका पार्ट होता है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इतना समझ आया क्लास? दिस थिंग क्लियर? अब ध्यान से देखो क्लास, ये था M1 मनी सप्लाई. अब मैं कुछ कुछ चीज आपको बता दूं कि जो बच्चे बुक्स फॉलो कर रहे हैं अलग अलग, तो आपको कंफ्यूजन ना हो. हाई पावर्ड मनी एक टॉपिक दिया हुआ है कुछ बच्चों के बुक्स में, उसको आपको उस, वैसे वो कोर्स का पार्ट नहीं है अब आपके, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी होते थे, अब नहीं है. अगर आपका मन है तो जस्ट गिव इट अ रीड, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका मन है आप रीड करो, अगर आपको रीड करने के बाद डाउट आता है, आपका मन है कि मुझे इसके बारे में समझ रहा है, तो आप उससे अलग से पूछ सकते हो, नो इश्यू बेटा, ठीक है. नाउ M2 मेजर. अच्छा अब मैं आपको सारे साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि ना इनमें कुछ भी नया नहीं है. अब आप देखो, खुद आप देखना M2 मेजर क्या होता है. M1 यानी M1 तो पूरा आ गया, अभी हमने M1 पढ़ा, तभी मैंने वो कहा था M1 जो है वो मोस्ट बेसिक मेजर है. M1 को अच्छे से पढ़ लो, बाकी सारे समझ आ जाएंगे. M2 कुछ भी नहीं होता. M1 सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बैंक. देखो बेटा देखो, हम 99% लोग आई एग्री पैसा जमा कराते हैं कमर्शियल बैंक में, हमारा अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक में, हम वहां पे पैसा जमा कराते हैं, नॉर्मल सी बात है. बट ध्यान से सुनो, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं. पोस्ट ऑफिस भी थोड़ा बहुत बैंक की तरह काम करता है, सबको पता होगा. तो पोस्ट ऑफिस में भी एक सेविंग्स अकाउंट होता है, लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट कराते हैं. तो M2 मेजर M1 के तो तीनों चीजों को इंक्लूड करता है, ये प्लस करता है, ये प्लस जो पोस्ट ऑफिस में पैसा सेव हुआ है उसको भी ऐड करता है, ठीक है. अब M3 मेजर क्या कहता है क्लास, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक. अब आप कहोगे ये टाइम डिपॉजिट क्या है, ध्यान से सुनो. देखो M1 में क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका पैसा अकाउंट में, अब आपका जब मन करेगा आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, चाहे चेक से चाहे ATM से, आपकी मर्जी. टाइम डिपॉजिट होते हैं जैसे FD, फिक्स डिपॉजिट या RD, रिकरिंग. आपको पता है FD जब हम कराते हैं तो कुछ टाइम लिमिट के लिए होती है वो FD, कि FD मैंने 3 साल के लिए कराई तो मैं उससे पहले उसको उसमें से पैसा नहीं निकाल सकती अपनी मर्जी से, मेरे को 3 साल का वेट करना है. 3 साल में जब FD मच्योर हो जाएगी तो मैं उससे, मतलब मुझे वो FD से पैसा मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऐड करके. RD भी ऐसी होती है, RD में हम 3 साल तक या 4 साल तक, जितने की भी मैंने RD कराई है मैं उसमें पैसा डिपॉजिट करा रही हूँ. 4 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाएगी तब मुझे उसका पैसा मिलेगा. मैं अपनी मर्जी से बीच में से पैसा नहीं निकाल सकती, ऐसा ही होता है ना FD में, मैं अपनी मर्जी से बीच में पैसा नहीं निकाल सकती, वरना FD टूट जाती है, वो FD तुड़वानी पड़ती है. अदरवाइज जो FD का टाइम पीरियड है 3 साल 4 साल 5 साल, तब तक मुझे वेट करना पड़ता है, उसका जब मैच्योरिटी पीरियड FD का हो जाता है तब हमें पैसा मिलता है, उससे पहले तो हम नहीं निकाल सकते. तो वो होते हैं टाइम डिपॉजिट, जिनमें टाइम लिमिट होती है कि वो एक टाइम पे जाके मैच्योर होते हैं, उसके बाद ही हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है. अब क्लास आया M4 में सर. देखो M4 थोड़ा सा अलग है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना. M4 मेजर क्या कहता है, M3 नॉट M1. यानी देखो M3 मेजर प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बट एक्सक्लूडिंग NSC. M4 मेजर क्या कहता है, देखो सबसे बड़ा जो मेजर है ना वो M4 है. M4 सबसे ज्यादा चीजें इंक्लूड करता है. M4 क्या इंक्लूड करता है, M3
प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सक्लूडिंग एनएससी. एनएससी क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ये वो पैसा होता है जो एनआरआईज, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जब वो पैसा अपना पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं. आपको एनएससी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ भी कोर्स में नहीं है एनएससी को लेके. आपको सिर्फ वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है, एंट्री टोटल पोस्ट ऑफिस का जितने भी डिपॉजिट्स है एक्सक्लूडिंग एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. अब वो क्या होता है वैसे तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो सेविंग्स होती हैं जो एनआरआईज करते हैं अपनी कंट्री में. जैसे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो इंडिया में जो पैसा अपना डिपॉजिट करके रखते हैं वो एनएससी होता है, वो इसमें एक्सक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, अब क्लास ये तो हमने पढ़े मेजर. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब आता है कि मनी सप्लाई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी सप्लाई. सबसे पहली बात, क्लास आपने चार मेजर पढ़े, M1, M2, M3, M4. सबसे बेसिक कौन सा था? M1. M1 सबसे बेसिक मेजर था. तो जो M1 मेजर है ना क्लास, ये लीस्ट लिक्विड, सॉरी जो M1 मेजर है आपका क्लास, ये मोस्ट लिक्विड है. मोस्ट लिक्विड का मतलब है इसके अंदर लिक्विडिटी आपको पता होगी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको लिक्विडिटी का मतलब पता होता है. लिक्विडिटी मींस कैश, या वो चीजें जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए. तो M1 मेजर में है ही क्या, पहले तो कैश ही है सारा. उसके बाद डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट भी कैश के बराबर ही माने जाते हैं क्योंकि कभी भी जाके आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड मतलब इसमें सबसे ज्यादा कैश है, या ये सबसे जल्दी आप कह सकते हो कैश में कन्वर्ट हो सकता है. M4 मेजर जो है वो लीस्ट लिक्विड है. इसको इसके अंदर जो डिपॉजिट है, जैसे नेट टाइम डिपॉजिट है, इसे M4 मेजर क्या था, M3 प्लस जो भी था टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये था. तो ये जो M3 है, ये जो M3 है इसमें नेट टाइम डिपॉजिट था. तो जो नेट टाइम डिपॉजिट था, ध्यान से सुनो, तो जो नेट टाइम डिपॉजिट था वो लिक्विड कैसे है, उसमें जब मर्जी उसे कैश में थोड़ा ना कन्वर्ट कर सकते हो. टाइम डिपॉजिट कहते हैं FD और RD, उनको आप जब मर्जी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना FD RD को. उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है. अच्छा 3 साल बाद मैच्योर होगी, 4 साल बाद मैच्योर होगी. तो ये लीस्ट लिक्विड है एंड ये मोस्ट लिक्विड है. इज दैट क्लियर क्लास? अच्छा क्लास, इंडिया कौन सा मेजर यूज करती है? M3 मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ मनी सप्लाई है. मोस्ट पॉपुलर मेजर, सबसे पॉपुलर है ये. सिंपल से 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, अच्छा M1 और M2 जो है क्लास, ये दोनों क्योंकि बेसिक है तो इन्हें नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं. मतलब इसके अंदर ज्यादा चीजें कवर नहीं होती, बहुत ज्यादा वाइड कवरेज नहीं है, तो इन्हें नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं. और M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा चीजें कवर होती है. ठीक है, अच्छा क्लास, इसके बाद आपको एग्जाम्पल ऑफ मनी सप्लाई में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बॉक्स पे, वो आपको करना है. उसके अंदर M1, M2, M3, M4 चारों चीजें दी हैं, न्यूमेरिकल है, 1 मार्क में आ सकता है, वो आप करोगे. कुछ भी नहीं करना, M1, M2, M3 इन सब के फॉर्मूलेस हैं आपके पास. ठीक है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. इसके साथ ही क्लास आपको सिर्फ इतना ही काम नहीं करना, इसके साथ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3-4 मार्क्स ईच होते हैं, उसके अंदर क्लास आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको करने हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मैं आपको वीडियो में ही इसलिए काम बता रही हूं क्योंकि व्हेन आई कॉल तो सबको कॉल करने में इंडिविजुअली बहुत टाइम लग जाता है, कई बच्चों के पास बहुत लेट काम पहुंचता है, फिर उनकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. तो इसलिए मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यही बता रही हूँ, अनसॉल्व सबको मिल जाएंगे अपनी बुक्स के पीछे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपका क्लास वर्क के साथ ही आज मेरे पास काम आएगा. इज दैट क्लियर क्लास? अगर क्लास आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ये तो CBSE ने डिक्लेयर कर दिया, ऑफलाइन होंगे ये भी डिक्लेयर कर दिया. हाँ,
टाइमिंग अभी हम फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए प्रोसीड स्लो, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से स्लो प्रोसीड करो। जो चीज हम कर रहे हैं उस पर फुल फोकस होना चाहिए, भागने किसी को जरूरत नहीं, सिलेबस कर सकते। ऐसा नहीं है कि फेब में पेपर नहीं होंगे, इट्स अ गारंटी नहीं होंगे, ठीक है, इतनी चीज तो मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आराम से स्लो प्रोसीड करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, जो समझ रहे हो अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? बहुत अच्छे से टॉपिक करो, साइड बाय साइड इसको लर्न करो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है क्लास, जस्ट लेट मी नो, ओके? यू कैन प्रोसीड विद योर क्लास।